सब्सक्राइब टू अवर चैनल सनशाइन स्टडी, हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन स्टडी। सो आज मैं डिस्कस करूंगी रीजनिंग का प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ये आपका प्रीलिम्स का एग्जाम रहेगा, एग्जाम पेपर रहेगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। 40 आउट ऑफ 40, ठीक है, स्कोर करने की कोशिश करेंगे इसमें, राइट। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आपका लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का आता है, ठीक है। ये सिंगल लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा। इसमें क्या बोल रहा है, देर आर 10 पीपल क्यू टू जेड सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए, ऊपर की साइड आपका नॉर्थ होता है, नीचे की साइड आपका साउथ होता है, ठीक है। तो नॉर्थ की साइड देख रहे हैं, यानी कि नॉर्थ का लेफ्ट ये इस साइड होगा और राइट इस साइड होगा, ठीक है। बट अगर मैं अपनी तरफ से देखूंगी तो मेरा लेफ्ट हैंड किधर आता है, इस साइड आता है, और राइट हैंड इस साइड आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगी कैसे सॉल्व करना है। नॉर्थ की साइड देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन ले ली नॉर्थ। अब यहाँ से करते हैं, वी इज सिटिंग फोर्थ फ्रॉम द राइट, यानी कि अब देखिए फोर्थ फ्रॉम द राइट यानी कि मेरे राइट में मेरा राइट इस साइड होगा, ठीक है, और मेरा लेफ्ट इस साइड होगा, ठीक है। तो मेरे राइट से मैं यहाँ से देखूंगी वी कहाँ से बैठा है, राइट से, फोर्थ फ्रॉम द राइट, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4, वी आपका फोर्थ राइट पे बैठा है। एंड ऑल्सो देयर इज वन पर्सन सिटिंग बिटवीन वी एंड एक्स। अब देखिए यहाँ पे 10 पीपल हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया फोर्थ फ्रॉम द राइट, तो यहाँ पे 4 ये हो गए, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, 10 पीपल की बात की हुई है, तो 10 मुझे पोजीशन मिल गई, 10 तक मैंने आ लिख दिया, ठीक है। अब वी और एक्स के बीच में एक कोई बैठा है, लेकिन मुझे नहीं पता एक्स आपका कहाँ पे आएगा, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, राइट। तो उसको यहीं छोड़ देंगे। एस इज सिटिंग फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ वी, जो एस है वो कहाँ बैठा है, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ वी। अब देखिए वी का लेफ्ट किधर है, इस साइड है, राइट किधर है, वी का इस साइड है। तो वी के लेफ्ट में बैठा है ना, तो वी के लेफ्ट फोर्थ लेफ्ट पे बैठा है, तो 1, 2, 3, 4 आपका एस इधर आ जाएगा, राइट। आगे चलते हैं, यू एंड एस आर नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि यू आपका इधर नहीं आ सकता और इधर नहीं आ सकता, यू और एस आसपास नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। चलिए आगे चलते हैं, देयर आर एज मैनी पीपल सिटिंग ऑन द लेफ्ट एज ऑफ आर सिटिंग ऑन द क्यू। अब देखिए जितने एस के लेफ्ट में पीपल बैठे हैं उतने आर के राइट में, क्यू के राइट में बैठे होने चाहिए, इसका मतलब ये है। तो देखिए एस आपका इधर बैठा है, एस के बगल में कितने लोग आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, तो आपका क्यू इधर आ जाएगा, क्योंकि राइट में भी 2 होने चाहिए, तो 2 यहाँ पे आ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आर हु डज नॉट सिट नेक्स्ट टू एक्स। अब जो आर है वो एक्स के आसपास नहीं बैठेगा, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं, अभी हमें एक्स का ही नहीं पता तो हम आर को भी प्लेस नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ लिखा है कॉमा इज सिटिंग ऑन द सेकेंड राइट ऑफ क्यू। अब ये जो इज है ना वो किसके लिए है, आर के लिए है, एक्स के लिए नहीं है, ठीक है। अगर एक्स के लिए होता तो यहाँ कॉमा नहीं होता है ना, यहाँ कॉमा लगा है यानी कि आर के लिए होगा। आर डज नॉट सिट नेक्स्ट टू एक्स, आर इज सिटिंग ऑन द सेकेंड राइट ऑफ क्यू। जो आर है वो कहाँ है, सिटिंग सेकेंड राइट ऑफ क्यू, तो यहाँ पे आर हो जाएगा क्यू के राइट में, सेकेंड राइट पे। देर आर 3 पीपल सिटिंग बिटवीन आर एंड टी, 1, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितने 3 लोग होने चाहिए आर एंड टी के बीच में, तो यहाँ पे 3 लोगों को प्लेस कर दिया। देर आर 3 पीपल सिटिंग बिटवीन आर एंड टी, ये आपका कंप्लीट हो जाए। डब्ल्यू इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, जो डब्ल्यू है वो वाई के लेफ्ट में बैठा होना चाहिए, तो यहाँ पे एक तो ये दोनों पोजिशन बच रही है और ये दोनों पोजिशन बच रही है, ठीक है। तो इसको फिल कर लेंगे हम, लेट सपोज मैं W को यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि Y के लेफ्ट में W इधर पे आ सकता है, वैसे इधर भी आ सकता है ये, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या बोला था, यू जो है वो एस के आसपास नहीं होना चाहिए, तो यू आपका इधर आ जाएगा। अब दो बच रहे हैं, ठीक है, वी और एक्स बच रहा है, तो एक्स आपका इधर आ जाएगा, वी और एक्स के बीच में एक होना चाहिए, तो एक्स आपका इधर आ गया। बाकी जो अल्फाबेट बचेगा क्यू और जेड के बीच में, ठीक है, वो कौन सा बच रहा था यहाँ पे, जेड, ठीक है, तो जेड आपका यहाँ पे आ गया। इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सिट इमीडिएट राइट ऑफ जेड, जेड की इमीडिएट राइट में कौन है, इमीडिएट राइट में जेड के है एक्स, ठीक है, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, एक्स आपका इमीडिएट राइट में, ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन वाई एंड यू, वाई एंड यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो यहाँ पे ये वाई है और ये यहाँ पे यू आ जाएगा, तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 पीपल आर सिटिंग बिटवीन वाई एंड यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन, तो यहाँ देख लेते हैं, x sits third to the right of q, हमारी सिटिंग अरेंजमेंट क्या बनी थी, y w s z x t b q r, यही हमारा सिटिंग अरेंजमेंट बना था, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या दिखा रहा है, x sits third to the right of q, जो x है वो कहाँ बैठा है, q के राइट में बैठा है, थर्ड टू द राइट ऑफ q, बट यहाँ पे ये चीज फॉलो नहीं हो रही है। u इज द ओनली नेबर ऑफ r इन द रो, ध्यान से सुनना, उसने बोला है ओनली नेबर, r का एक ही ओनली नेबर हो सकता है u, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। इन विच पोजिशन इज v सिटेड विद रिस्पेक्ट टू w, w के रिस्पेक्ट में v आपका किस पोजिशन पे बैठा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो 6 टू द राइट आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द राइट ऑफ z, ठीक है, अब z के राइट में कौन है, देखिए V आपका V है, ठीक है, V है आपका राइट में, Q आपका, ओके, वो है मैम, तो फॉलोइंग सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Z, ओके, Z के सेकंड राइट में कौन बैठा है, T बैठा है, ठीक है, तो T आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये A नहीं होगा, T आपका आंसर हो जाएगा। चलिए रेडियस, ठीक है, अब क्वेश्चन में डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन में बोला है कि जो वोवल्स हैं वो नेक्स्ट लेटर से अरेंज हो रखे हैं और जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो आपके प्रीवियस लेटर से चेंज हो रखे हैं। तो वोवल्स, ओ के बाद क्या आता है आपका, ओ के बाद आ जाएगा आपका पी, यहाँ पे पी आ जाएगा, यू के बाद क्या आता है आपका वी, और ई के बाद क्या आता है एफ, ये तो हो गए कॉन्सोनेंट। अब वोवल्स के अब देख लेते हैं कॉन्सोनेंट्स के प्रीवियस लेटर, तो पी से पहले ओ आता है, आर से पहले क्यू आता है, और यहाँ पे D से पहले क्या आता है आपका C, और C से पहले आता है D, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स इज फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, तो राइट एंड से फोर्थ कौन आ रहा है, C आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, C। सेगमेंट हमें एक वर्ड दे रखा है जिसमें हमें बताना है कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में कितने पेयर ऑफ लेटर बन रहे हैं। एस का जो नंबर होता है, देखिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आप अल्फाबेट के नंबर्स कैसे याद कर सकते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लीज चेक कर लें, बहुत अच्छी मैंने ट्रिक्स बताई हैं उसमें, बिल्कुल बेसिक से मैंने कवर कराया है, ठीक है। देख लेते हैं, एस का जो अल्फाबेट नंबर होता है वो होता है 90, ई का होता है 5, देखिए मैंने एक नंबर बताया था आपको इजोटी, इजोटी मतलब क्या होता है, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, तो आपको ये याद हो जाना चाहिए, E का 5 होता है, J का 10, O का 15, T का 20, Y का 25। अगर ये आपको ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करते जाना। G का नंबर क्या होता है, 7, M का नंबर होता है 13, E का नंबर होता है 5, N का होता है 14 एंड T का होता है 20, राइट। अब देख लेते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में, 19 से हम स्टार्ट करेंगे, जो भी 19 के कंटिन्यूटी में कोई नंबर मिल जाएगा, लिंक हो जाएगा, कहने का मतलब वो आपका पेयर बन जाएगा। तो 19 इधर है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, मुझे कोई नंबर नहीं मिला, 5 से चेक कर लेते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, नहीं मिला कोई भी, 7 से चेक करिए, 8, 9, 10, 11, नहीं मिला, यहाँ पे 13, 5, ये सब नंबर हैं, ठीक है। तो मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो एक भी नंबर नहीं मिल रहा है, आप 13 से चेक करके देख लो, 14 इधर आना चाहिए, लेकिन 14 इधर है, 15, 16, 5 किससे आपको वैसे मैच नहीं करेगा, क्योंकि 14 है सीधा 20,
तो हम क्या करेंगे बैकवर्ड से चेक करके देख लेते हैं, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये भी नहीं मैच हो रहा है। 14 से चेक करिए, 14 इधर है, 15, 16, 17, 18, 19, ये मैच हो गया। तो एक पेयर अभी तक बन गया हमारा। अब टाइप से चेक कर लेते हैं, 6, 7, दूसरा पेयर ये बन गया, ठीक है। अब 13 से कोई नंबर नहीं बन सकता क्योंकि 14, 15, 16, 5, 6, 6 हो जाएगा, ठीक है। 8, 9 तो कोई नंबर नहीं बन रहा, यानी कि दो पेयर बन रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज टू पेयर ऑफ लेटर्स, ठीक है। चलते हैं आगे, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन बिलो। ये आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन रहेगा, आपको डायरेक्शन डिस्टेंस यहाँ से पहले आपको पता होनी चाहिए, ये नॉर्थ होता है, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ठीक है। चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट एंड ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके SBI क्लब में भी देखने को मिल सकते हैं। पॉइंट ई इज 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, ए के नॉर्थ में कौन है, पॉइंट ई है, जो कि कितनी दूरी पे, 5 मीटर की दूरी पे, ठीक है। क्या बोला है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, इनके मीनिंग क्या होते हैं, क्या बोला है, पॉइंट ई इज 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए के नॉर्थ में आपका पॉइंट ई है, ठीक है। तो ऐसे ही सारे सेंटेंस आपको लिंक करने हैं। तो मैंने कैसे बनाया, पॉइंट ए के नॉर्थ में, यानी कि पॉइंट अगर ए इधर है तो ए के नॉर्थ में कौन है, ई है, 5 मीटर की दूरी पर। पॉइंट के इज 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट ई, ठीक है। तो वेस्ट आपका किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, कौन बैठा है यहाँ पे, ई बैठा, बी के बैठा है 8 मीटर की दूरी पर। ये वाला सेंटेंस भी आपका लिंक हो गया। अब देखिए बी के बारे में बात की है और पी के बारे में बात की है, अभी ना मुझे के का पता, अभी ना मुझे बी का पता, ना ही पी का पता, ठीक है। तो जो कॉमन पॉइंट्स हैं, या तो मुझे के मिल जाए, ई मिल जाए, ए मिल जाए, उसी सेंटेंस को हम पहले चूज करेंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे के दिख रहा है, तो मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ पहले। पॉइंट ओ इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट के, पॉइंट के के साउथ में कौन है, 10 मीटर की दूरी पे पॉइंट ओ है, तो यहाँ पे ओ ड्रॉ हो गया, राइट। आगे चलते हैं, अब देखिए मुझे ओ यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। देखिए पॉइंट बी इज 3 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट पी, पी का भी मुझे नहीं पता, विच इज 8 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट ओ। उसने क्या बोला है, जो पॉइंट पी है ये विच किसके लिए यूज हो रहा है, पी के लिए यूज हो रहा है। पॉइंट पी इज 8 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट ओ, तो ओ के ईस्ट में कौन है, 8 मीटर की दूरी पे पी है, राइट। पॉइंट बी इज 3 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। तो पी के नॉर्थ में कौन है आपका, पॉइंट बी है, कितनी मीटर की दूरी पे, 3 मीटर की दूरी पे, ठीक है। आगे चलते हैं, पॉइंट सी इज 8 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एक्स, राइट। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पॉइंट सी इज 8 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एक्स। अब देखिए ना मुझे सी का पता, ना ही मुझे एक्स का पता है, बट यहाँ पे एक्स लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, बिच। तो मीनिंग क्या हो गया, x इज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट b, ठीक है। तो पॉइंट b से ईस्ट में 10 मीटर की दूरी पे कौन है, यहाँ पे x है, राइट। आगे चलते हैं, आगे भी अभी आपको ड्रॉ करना है, देखिए कौन सा पॉइंट छूट रहा है हमारा, पॉइंट e हो गया है, पॉइंट k हो गया है, पॉइंट e भी हो गया है, पॉइंट बी हो गया है आपका, पॉइंट पी भी हो गया है, ठीक है। पॉइंट ओ ये भी आपका कंप्लीट हो गया है, पॉइंट सी अभी तक आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, पॉइंट सी इज 8 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एक्स, नॉर्थ में 8 मीटर की दूरी पे कौन है, पॉइंट सी है, ठीक है। ये आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का प्रॉपर डायग्राम बन चुका है, और ये पॉइंट बी से सी की शॉर्टेड डिस्टेंस, राइट। चलिए अब इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट ओ विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ई, ई के रिस्पेक्ट में पॉइंट ओ कहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं क्लियरली बता देती हूँ आपको, ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो क्या बोला है, अगर मेरा ई इधर है और ओ इधर है, जैसे कि ये ई इधर है ना और ओ इधर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ और वेस्ट के बीच में होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन. व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी. ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे इन दोनों का अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस निकालोगे बी और सी का तो क्या होगा. 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर तो ये हो जाएगा 100 प्लस 164. तो 64 हो जाएगा ये. तो 164 का अंडर रूट निकालोगे क्या आ जाएगा आपका. ऑप्शन नंबर सी अप्रोक्सीमेटली आपका 30 मीटर आंसर हो जाएगा. ठीक है, अब देख लेते हैं एफ. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. ए एंड बी, बी के बीच में कितनी डिस्टेंस का यहाँ पे अंतर है. तो पॉइंट ए यहाँ पे आपका ए है और बी आपका इधर है. ठीक है, तो ये दोनों आपकी पैरेलल हो गई. ये भी 8 मीटर था, ये भी 8 मीटर, यानी कि ये आपका ऐसे आएगा. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस हो गई. ये देखिए ये पूरी आपकी 10 है, ये 10 है, तो ये भी आपका पूरा 10 होगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 था, 3 मीटर ये हो गया और यहाँ पे 5 मीटर ये हो गया. तो 2 मीटर की और डिस्टेंस बच रही है, तो कंप्लीट पूरा 10 हो जाएगा. तो डिस्टेंस क्या हो रही है, 2 मीटर की डिस्टेंस बच रही है. यानी कि ए और बी के अंतर कितना मीटर की दूरी है, 2 मीटर की दूरी है. डिकोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं हम. ठीक है, हाउ इज ब्यूटी कोडेड इन द गिवन लैंग्वेज. अब देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे. ब्यूटी आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, और ब्यूटी आपको इधर दिख रहा है. ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंस में देखो और भी कोई चीज कॉमन दिख रही है यहाँ पे. डाउन विंग्स इनर, डाउन विंग्स इनर, एक और चीज कॉमन दिख रही है डाउन. ठीक है, ब्यूटी एंड डाउन. अब देखो इन दोनों में आपको दो चीजें कॉमन दिखनी चाहिए. ई ए कॉमन दिख रहा है और क्या एस एस कॉमन दिख रहा है. ठीक है, अब और कहीं पे चेक कर लो, एस एस या ई ए कहीं आ रहा है. ई ए आपका इधर भी आ रहा है. ठीक है, तो बट यहाँ पे डाउन दिख रहा है. ठीक है, यहाँ पे डाउन है लेकिन ब्यूटी यहाँ पे नहीं है. तो आपका ऑटोमेटिकली ब्यूटी किसका कोड हो जाएगा, एस एस का कोड हो जाएगा. राइट, क्योंकि देखिए यहाँ पे डाउन आपको इधर दिखेगा, डाउन आपको इधर दिखेगा, डाउन आपको इधर दिखेगा. तो तीन कोड यहाँ पे कॉमन हो जाएंगे ई ए. तो डाउन का हो जाएगा आपका ई ए और ब्यूटी का क्या हो जाएगा आपका एस एस. ठीक है, तो ब्यूटी का यहाँ पे पूछा है तो एस एस आपका कोड हो जाएगा ब्यूटी का. Which of the following is the code for wings? Wings का code देख लेते हैं यहाँ पे. देखिए अब हम चेक कर लेते हैं विंग्स का कोड कैसे करेंगे. विंग्स आपका इधर है, विंग्स आपका और किधर है यहाँ पे, और मुझे कहीं विंग्स का कोड नहीं दिख रहा. तो देखिए यहाँ पे इन चारों में सबसे डिफरेंट क्या दिख रहा है, एक्स एंड वाई. ठीक है, एक्स एंड वाई कहीं पे नहीं है और यहाँ पे विंग्स और कहीं पे नहीं है. तो विंग्स का जो आपका कोड होगा वो होगा एक्स एंड वाई. ठीक है, तो ऐसे ही आपको चेक करना है. आप चेक कर लेते हैं यहाँ पे पूछा है विंग्स का कोड आपसे पूछा है. तो विंग्स का कोड देख लेते हैं. विंग्स मुझे यहाँ दिख रहा है और मुझे कहीं नहीं दिख रहा है. ठीक है, तो मुझे डिफरेंट दिख रहा है एक्स एंड वाई. अब और भी कोई चीज डिफरेंट है यहाँ पे, देखिए इनर, इनर भी यहाँ पे डिफरेंट है. क्यों, क्योंकि इनर और भी किसी सेंटेंस में मुझे दिख नहीं रहा है. तो जो विंग्स और इनर है ठीक है वो और किसी सेंटेंस में नहीं है, तो हम इनके कॉमन नहीं निकाल सकते. मुझे एक्स वाई भी डिफरेंट दिख रहा है और मुझे डी एफ भी डिफरेंट दिख रहा है. तो एक्स वाई या होगा या तो डी एफ होगा. तो यहाँ पे आइदर एक्स वाई और डी एफ इसका आंसर हो जाएगा. राइट, आगे चलते हैं. हाउ विल यू कोड स्क्वायर वॉल. अब देखिए स्क्वायर का कोड क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे. स्क्वायर आपका इधर है ठीक है, और स्क्वायर आपका और कहीं नहीं है. इन दोनों में स्क्वायर है, वॉल आपका इधर है. ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, इन दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है डीएन. ठीक है, और वॉल के में कॉमन, वॉल कहाँ पे है आपका, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इन दोनों में कॉमन रहेगा आपका टी. ठीक है, तो स्क्वायर और वॉल. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका
स्क्वायर का हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, डीएल और एपी, ठीक है, मुझे इन दोनों सेंटेंस में कॉमन दिख रहे हैं डीएल और एपी, तो यहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं स्क्वायर का क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कैन नॉट डिटरमाइंड आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड फॉर डिस्टर्ब, डिस्टर्ब का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे डिस्टर्ब का देख लेते हैं, देखिए ये है डिस्टर्ब और ये है डिस्टर्ब, ठीक है, और यहाँ पे भी डिस्टर्ब है, तो इन तीनों सेंटेंस में चेक कर लो क्या क्या कॉमन है, और यहाँ पे है आपका डीएफ, यहाँ पे डीएफ नहीं है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, डीएल, ठीक है, एपी, एपी यहाँ पे चेक करो, एपी यहाँ पे नहीं है, टीए मुझे इन तीनों में कॉमन दिख रहा है, तो आपका डिस्टर्ब का क्या कोड हो जाएगा, टीए, ठीक है, तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, कोड क्या हो जाएगा डिस्टर्ब का, टीए, कोड ईए रिप्रेजेंट द वर्ड, अब जो ई है, ईए है यहाँ पे, वो किस वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए इन दोनों में हम चेक कर लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों सेंटेंस में डाउन कॉमन दिख रहा है मुझे, ठीक है, डाउन कॉमन दिख रहा है, तो डाउन का कोड क्या हो जाएगा, ई ए का डाउन आपका वर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, ए बी सी इक्वल्स टू डी, ये आपके स्टेटमेंट रहेंगे, ये आपके कंक्लूजन रहेंगे, ठीक है, क्या करेंगे हम पहले सॉल्व करने के लिए, देखिए यहाँ पे मुझे कॉमा दिख रहा है, ठीक है, कॉमा दिख रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगी, पहले लीनियर उसमें कंटिन्यूटी में इसको लिंक कर दूंगी, ठीक है, ताकि आपको आंसर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, इसको मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, लिंक कर लिए, ठीक है, कैसे किया है, इन दोनों में आप कॉमन ढूंढोगे, वहीं से आप डायरेक्टली लिंक कर दोगे, जैसे आपकी साइन है, जैसे यहाँ पे ओ ग्रेटर है, तो आपको ओ ही ग्रेटर दिखाना है यहाँ पे, ठीक है, आर से ओ ग्रेटर है, तो यहाँ पे मैंने ओ को ही ग्रेटर दिखाया है आर से, ठीक है, उल्टे सीधे साइन नहीं करने है, ठीक है, जैसे एज इट इज साइन है वैसे ही आपको आपको ड्रॉ करने है। अब चेक कर लेते हैं, डी इज ग्रेटर देन आर हो रहा है और बी इज लेस देन ओ हो रहा है, तो पहले चेक कर लेते हैं, डी इज ग्रेटर देन आर, तो डी इज ग्रेटर देन आर, अब देखिए मुझे दोनों साइन मिल रहे हैं, इस यहाँ पे ये भी मिल रहा है, ये भी हो रहा है, कंटिन्यूटी में साइन नहीं जा रहे हैं, तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, बी इज लेस देन ओ, तो यहाँ से चेक करते हैं, बी इज लेस देन ओ, तो यही पे मुझे साइन दिख रहे हैं ऐसे, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। देखिए जिसको भी बेसिक समझ में नहीं आ रहे हैं, मैंने बेसिक की ऑलरेडी क्लास कवर कराई है, ठीक है, जिसको नहीं समझ आ रहा वो आप वीडियो जाके चेक करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 27 देख लेते हैं, यहाँ पे कॉमा है, लिंक कर दो, कैसे लिंक करेंगे, जो डायरेक्टली सॉल्व कर पा रहा है तो वो लिंक करने की कोशिश ना करे, इसको ड्रॉ करने की कोशिश ना करे, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है, ठीक है, जो इस मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए आपको लिंक करके बता रही हूँ, ठीक है। अब मुझे इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहे हैं, टी एंड डी आई, तो मुझे टी कॉमन दिख रहा है, डी से मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगी, ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करूंगी, टी यहाँ पे आ जाएगा और ये एन इधर आ जाएगा, एन इक्वल टू है डी के और डी ग्रेटर देन इक्वल टू है आई के, ठीक है। अब इनको चेक कर लो, के इज ग्रेटर देन आई, तो के इज ग्रेटर देन आई, तो देखिए ये आपको ये साइन दिख रहे हैं ऐसे कंटिन्यूटी में जा रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे ग्रेटर का साइन है और मुझे क्या मिल रहा है सबसे बड़ा साइन, ये वाला मिल रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब इसको चेक कर लो, x इज लेस देन c, x आपका इधर है और c इधर है, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, ये अपोजिट साइन मिल रहे हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, नीदर कंक्लूजन वन नॉर सेकेंड इज टू। 28 क्वेश्चन देख लेते हैं, p इज ग्रेटर देन q इज लेस देन a, इन दोनों को लिंक कर लो आप, कॉमन देख के कैसे करोगे, ठीक है, इन दोनों का से कॉमन क्या है, बी मुझे दिख रहा है, तो बी से मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी, राइट। अब देख लेते हैं पी ग्रेटर हो रहा है एन से या नहीं हो रहा है, पी आपका ये है, एन आपका ये है, तो
देखिए अपोजिट साइन होगा, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, पी से एन के बीच में, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। एम इज ग्रेटर देन क्यू, तो एम से क्यू के बीच में देखते हैं, तो एम यहाँ से ऐसे साइन जा रहा है, इसी के साइड ऐसे कंटिन्यूटी में साइन जा रहा है एम से क्यू के बीच में, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू, आपका आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए इसमें कोई भी यहाँ पे कॉमा नहीं है, ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो ए इज लेस देन जी आपको पता चल रहा है, देखिए अपोजिट साइन हो गए ए और जी के बीच में, रॉन्ग हो जाएगा। एल इज ग्रेटर देन जेड, ठीक है, एल ये है, जेड ये है, तो यहाँ पे मुझे अपोजिट साइन दिख गए, ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, नीदर कंक्लूजन वन नॉर सेकेंड इज ट्रू। आगे चलते हैं, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन होता है, स्कोरिंग टॉपिक होता है ये आपका इनइक्वालिटी का, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, जिनके बेसिक क्लियर नहीं है लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप क्लासेस अटेंड करो अपने बेसिक्स की। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, ये भी आपका डायरेक्टली दिया है, कोई भी कॉमा नहीं दिया है बीच में, तो ए इज ग्रेटर देन डी हो रहा है या नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखो ए ये है डी ये है, यहाँ से ऐसे साइन जाते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ऑप्शन दे रखा है ये और एक ऑप्शन दे रखा है ये, और मुझे ए से डी के बीच में मुझे ये भी मिल रहा है और ये भी, ये दोनों साइन ही मिल रहा है, बट अगर मैं इनको कंबाइन करूंगी तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है, तो मुझे यही साइन मिल रहा है, ये वाला साइन नहीं मिल रहा, इक्वल्स टू मिल रहा है और ये वाला साइन मिल रहा है, ये वाला कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए अब दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, ग्रेटर भी दे रखा है, इक्वल्स टू भी दे रखा है, तो कंबाइन करके तो आपका सही बन रहा है ना, तो आप क्या करोगे इस ऐसे केस में, आप मार्क करोगे आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड इज ट्रू, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आइदर और का, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम सिलॉग्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगेन इंपॉर्टेंट स्कोरिंग है। सिलॉग्स में मैंने कंप्लीट डिटेल क्लास ली है, हर डिटेल में जाके मैंने पॉसिबिलिटी ओनली अ फ्यू फ्यू और आपका जितने भी आपके टाइप ऑफ सिलॉग्स होते हैं, ओनली अ फ्यू पॉसिबिलिटी नॉट अ पॉसिबिलिटी, सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, ठीक है। स्पेशली एसबीआई क्लर्क को लेके भी मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चेक कर लेना। ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है, देखिए ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है, उसने बोला ओनली अ फ्यू पिंक इज वाइट, ओनली फ्यू का मतलब होता है ये वाला पार्ट तो कभी नहीं जाएगा व्हाइट के पास, और ये वाला जो पार्ट है पिंक का व्हाइट हो सकता है, बट ये जो बचा हुआ पार्ट वो कभी भी व्हाइट के पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये डिटेल में सारी क्लासेस कराई हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, तो जाके आप चेक जरूर कर लेना जिनको भी नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, ओनली व्हाइट इज ब्लैक, तो अब देखिए ओनली अ फ्यू और ओनली में क्या डिफरेंस होता है, देखिए ओनली ही जो है यहाँ पे एस वन है, ये एस टू है, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, जो सब्जेक्ट टू है वो इनर सर्कल में आएगा और जो सब्जेक्ट वन है वो आउटर सर्कल में आएगा, तो ब्लैक आपका अंदर आ जाएगा, ठीक है, ओनली व्हाइट इज ब्लैक। चलिए अब कर लेते हैं यहाँ पे कंक्लूजन चेक कर लेते हैं, ऑल व्हाइट बींग पिंक इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे वाइट पिंक हो सकते हैं, हो सकते हैं बोला, सिर्फ पॉसिबिलिटी है हो सकते हैं, अगर पॉसिबिलिटी का वर्ड नहीं आता तो आपका ये रॉन्ग हो जाता, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी आई है तो हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। सम पिंक बींग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ पिंक आपके ब्लैक हो सकते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है, हाँ जी है, अगर ये ब्लैक मैं इधर बनाती हूँ ऐसे तो वो भी सकते हैं, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी में आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं आता तो ये रॉन्ग हो जाता, क्योंकि हमें डेफिनेट में नहीं पता है कि कुछ पिंक और कुछ पिंक आपके वाइट ब्लैक है या कुछ ब्लैक आपके पिंक है, ठीक है। जो चीज हमें डेफिनेट में बोली है, जिसके बारे में हमें अच्छे से पता है, स्टेटमेंट में गिवन है, तो उस चीज के बारे में तभी हम राइट करेंगे, वहां पे पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग हो जाती है, और जहां पे आपकी कोई भी रिलेशन नहीं है दो सब्जेक्ट के बीच में, वहां पे पॉसिबिलिटी आपकी करेक्ट हो जाती है, राइट। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जहां पे डेफिनेट में पता है
वहां पे पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगी, ठीक है, और जहां पे नो रिलेशन है, डेफिनेट में नहीं पता या डाउट में हुआ, वहां पे पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए तो ये दोनों ही आपके पॉसिबिलिटी में करेक्ट हो रहे हैं, तो बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉलो करा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। सम टेबल आर चेयर ठीक है, आगे चलते हैं। सम सोफा आर डेस्क, नो चेयर इज डेस्क, कोई भी चेयर आपकी डेस्क नहीं है। सम सोफा आर डेस्क ठीक है। चलिए कंक्लूजन में क्या बोला है, सम चेयर्स आर नॉट सोफा, कुछ चेयर्स आपके सोफा नहीं है, ठीक है। ऑल चेयर्स आर सोफा, कुछ सारे के सारे सोफा आपके चेयर्स है। अब देखिए यहाँ पे सम प्लस ऑल दिख रहा है मुझे, यहाँ पे मेरे सब्जेक्ट्स भी सेम है, सम चेयर्स सोफा, और दोनों ही जो कंक्लूजन है वो आपके डाउट में है, ठीक है। ना मुझे चेयर्स ने सोफा के बारे में कुछ बोला है, ना ही मुझे सोफा ने चेयर्स के बारे में बोला है, ठीक है। तो दोनों के दोनों आपके डाउट में आ रहे हैं, प्लस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी सेम है, सम प्लस ऑल का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे क्या केस बनता है आपका, जनरली आइदर और का केस बनता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, आइदर और। अगर आपको इसमें डिटेल में पढ़ना है और कौन कौन से जो केस होते हैं वो आइदर और में आते हैं, तो आपको अलग से वीडियो मैंने अपलोड किए, तो आप जाके चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ब्लड रिलेशन में क्या बोला है, इन अ फैमिली ऑफ थ्री जनरेशन एट मेंबर्स के इज मैरिड टू टी। देखिए मैरिड कपल है, यानी कि ये हो गया आपका मैरिड, जो डबल लाइन से मैं इंडिकेट करूंगी, तो के इज मैरिड टू टी ठीक है, के इज मैरिड टू टी। हु इज द ओनली सन ऑफ एस, अब ये हु किसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, इसके लिए हो रहा है, तो जो टी है वो किसका सन होगा, एस का, तो ये मेल हो गया, टी जो सन है वो मेल हो गया, तो माइनस लगा दिया मैंने इसके ऊपर, क्योंकि मैंने बोला है माइनस में मेल है, ठीक है, और ये आपका मेल है तो ये कौन हो जाएगी, फीमेल, क्योंकि ये मैरिड कपल है। एम इज मैरिड टू पी ठीक है, अब कोई एक अलग कपल है जो यहाँ पे एम इज मैरिड टू पी ठीक है। हु इज द मदर ऑफ क्यू, अब जो पी है वो किसकी मदर है, क्यू की है, तो यहाँ पे प्लस हो जाए क्योंकि ये मदर है। यू हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ टी, अब जो यू दिख रहा है ना ये कौन है, सिस्टर इन लॉ है टी के, तो जो टी की सिस्टर इन लॉ है कौन, यू, तो के की वो क्या हुई, बहन हुई, तो मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी बहन है, यानी कि फीमेल मेंबर है। टी इज मैरिड, सिस्टर इन लॉ टी इज मैरिड, जो यू है वो मैरिड है, टी हैज नो सिबलिंग, जो टी है उसका कोई सिबलिंग नहीं है। एच इज द ओनली सन ऑफ यू, एच का जो सन है, एच इज द ओनली सन ऑफ क्यू ठीक है, ये सन है किसका, क्यू का, तो ये माइनस मैंने ले लिया। एच इज अ मेल पर्सन, तो ये जो है वो मेल पर्सन है, माइनस ले लिया ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला था उसने, यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो क्या बोला है उसने, यू के लिए इज मैरिड ठीक है, ये जो इज है वो किसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, यू के लिए, तो यू किससे मैरिड है, तो टी के तो कोई सिब्लिंग्स नहीं है, तो कौन बचा, यू, क्यू बचा है यहाँ पे, तो क्यू और यू यहाँ पे मैरिड, तो ये प्लस है तो ये कौन होगा, माइनस होगा ठीक है। चलिए अभी आपके सॉल्व हो गया ब्लड रिलेशन। हाउ इज एच रिलेटेड टू एम, एच किससे रिलेटेड है, एम कैसे रिलेटेड है एच से, और एच कैसे रिलेटेड है एम से, मैं दोनों के बता देती हूँ, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ इज एच रिलेटेड टू एम, एच कैसे रिलेट करता है एम से, तो एम क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों कपल हैं तो ये माइनस हो जाएगा ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये भी सन है ये माइनस है, तो ये इसका कौन हो जाएगा, ग्रैंडफादर हो जाएंगे, और ये इसका हो जाएगा ग्रैंड सर, लेकिन हमें एच का पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंड सर ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, हाउ इज एच रिलेटेड टू एम, ये मैं बता चुकी हूँ, ग्रैंडसन। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द थर्ड जनरेशन, थर्ड
थर्ड जनरेशन में आपका एक ही है एच ए, ये फर्स्ट जनरेशन, लेकिन ये थर्ड आपकी है, तो इसका आंसर हो जाएगा वन. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल टू द मेल मेंबर? फीमेल से रेशियो बताने हैं, मेल के कितने रेशियो, तो फीमेल कितनी हो गई, एक दो तीन, तीन फीमेल हो गई, बाकी के बच्चे कितने हो जाएंगे, एक दो तीन चार पांच, तो पांच फीमेल हो जाएंगे, थ्री रेशियो फाइव आपका आंसर होगा. चलिए अब देख लेते हैं, एक और पजल है आपके सामने, बॉक्स पजल रहेगी, बहुत इजी पजल है, ठीक है, आपको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए. देखिए सिक्स बॉक्स दे रखे हैं, उसने सीधा सीधा बोला है हर बॉक्स का कलर अलग है, अल्फाबेट भी उसने दे रखा है किस बॉक्स का क्या अल्फाबेट है. उसने बोला है कि जो लोअर मोस्ट पोजिशन है उसको हम वन से नंबरिंग करेंगे, बाकी की जो टॉप मोस्ट है वो आपके एज इट इज नंबर होते जाएंगे. लाइक यहाँ पे वन है तो टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, राइट, ऐसे करेंगे. नेक्स्ट आपका आता है द ग्रे बॉक्स इज केप्ट एट द बॉटम मोस्ट पोजिशन, तो ग्रे बॉक्स आपका किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है. आगे चलते हैं, फिर उसने क्या बोला है, एंड इमिडिएटली बिलो द बॉक्स ई, किसके बिलो है, ई के बिलो कौन है, ग्रे, यानी कि ई के इमिडिएट नीचे कौन है, ग्रे. बॉक्स ई इज नाइदर व्हाइट नॉर ब्लू इन कलर, तो जो बॉक्स ई है ना ही वो व्हाइट है और ना ही वो ब्लू है, ठीक है. आगे चलते हैं, ए इज द ब्लैक बॉक्स इज कैप्ट एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका टॉप मोस्ट पोजिशन पे ए है जिसका कलर ब्लैक है. डी इज इन रेड इन कलर एंड केप्ट एट इवन नंबर पोजिशन, अब देखिए इवन नंबर कौन सी बच रही है, ये बच रही है, तो डी आपका इधर हो जाएगा जो कि है रेड कलर में. सी इज नाइदर ब्लू नॉर ग्रीन, ठीक है, सी इज नाइदर ब्लू नॉर ग्रीन एंड केप्ट बिलो डी, तो यहाँ पे सी आ जाएगा जो कि ब्लू भी नहीं है और ग्रीन भी नहीं है, ठीक है. बॉक्स बी इज नॉट एडजेसेंट टू डी, यानी कि बी और डी आसपास नहीं होने चाहिए, तो बी इधर आ जाएगा. द बॉक्स इज ए, द बॉक्स ऑन द फिफ्थ पोजीशन इज नॉट ग्रीन, तो जो फिफ्थ पोजीशन पे है वो ग्रीन नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट बचा आपका, यहाँ पे बचा ए बी सी डी ई और यहाँ पे हो जाएगा एफ, ठीक है, जो कि ग्रीन कलर में नहीं है, ठीक है, जो फिफ्थ पोजीशन पे बॉक्स है वो ग्रीन कलर में नहीं है, तो इसका कलर क्या होगा, इसका तो ग्रे हो गया. एफ सी और ई के कलर हमें पहचानने हैं, ठीक है. अब देखियो, देख सकते हो आप यहाँ पे, ये तो हो जाएगा यहाँ पे ग्रीन, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन ये भी नहीं है और ग्रीन ये भी नहीं है, यहाँ पे मैंने क्रॉस कर रखा है. अब ब्लू ये भी नहीं है, ब्लू ये भी नहीं है, तो ब्लू कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट. बचा कौन सा कलर आपका, ये बचा है आपका व्हाइट, तो व्हाइट आपका सी हो जाएगा, तो ये आपका सॉल्व हो गया, राइट. अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रीन कलर का कौन सा बॉक्स है, बॉक्स ई, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है. ओके, ये आंसर नहीं है, ये आपका ऑप्शन है, ई नन ऑफ द अबव, तो इसके नन ऑफ द अबव आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा ई. ई का कौन है, ग्रीन कलर बॉक्स है. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, बताना है कौन से कॉम्बिनेशन आपके करेक्ट है. देखिए ए का तो आपका कलर कौन सा था, ब्लैक था, ई का ग्रीन, एफ का ब्लू, ई का ग्रीन, ई का ग्रीन आपका करेक्ट हो जाएगा. देखिए यहाँ पे ई का ग्रीन था, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं, एफ का ब्लू था, एफ का ब्लू था यहाँ पे आपका, बी का ग्रे था क्या, यस बी का ग्रे था यहाँ पे, एफ का ब्लू था, ओके, और डी का रेड था, तो यहाँ पे सारे आपके करेक्ट हो जाएंगे. तो ब्लू बॉक्स इज केप्ट एट द पोजीशन ऑफ, यहाँ पे ब्लू आपके फिफ्थ पोजीशन पे था, यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है, फिफ्थ पोजीशन पे आपका एफ ब्लू कलर था. आगे चलते हैं, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन डी एंड ग्रीन बॉक्स, ग्रीन और डी के बीच में आपका सी था जो कि व्हाइट कलर में था, ठीक है, यहाँ पे देख लो, सी था व्हाइट डी और ग्रीन के बीच में, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज केप्ट एट द थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे कौन सा है, थर्ड पोजीशन पे आपका सी व्हाइट कलर का, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए. अब एक और पजल, द
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा आपके पजल का, ठीक है। एक ट्रेंड्स है, ठीक है, डिफरेंट मंथ्स में आपके बॉर्न हुए हैं, बर्थडे आते हैं, ठीक है। 4 मंथ्स आपको दे रखे हैं और 2 डेट दे रखी है, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि ये सेम ऑर्डर में ही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, 8 पीपल हैं, तो 8 पीपल के हिसाब से आपको 2 बार 2 डेट है, ठीक है, 9, 16, 9, 16, 9, 16 एंड आपका 9 एंड 16, ठीक है, 8 पीपल हो गए। तो मैं यहाँ पे 2 बार रिपीट कर रही हूँ, 1 मंथ को अप्रैल, जून, जुलाई, ठीक है, और अगस्त, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अगस्त। अब यहाँ पे हो जाएगा ये 30 नंबर ऑफ डेज होते हैं इनमें, जुलाई में आपका 31 रहेगा और अगस्त में भी 31 रहेगा। चलिए आप सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। ई सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन द मंथ विच डज नॉट हैव 30 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डेज में ई सेलिब्रेट नहीं करता है, मतलब 30 डेज का जो मंथ है उसमें ई सेलिब्रेट नहीं करता है, 31 डेज में आपका ई सेलिब्रेट करता है, मतलब 31 या तो जुलाई में करेगा या अगस्त में करेगा, ठीक है। तो लेट्स मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, लेट्स सपोज मैं ई का 31 यहाँ पे ले लेती हूँ, राइट। चलिए अब देख लेते हैं, पहले इसको कंप्लीट करके देख लेते हैं ये सही है या नहीं है। अब यहाँ पे बोला है ओनली 1 पर्सन सेलिब्रेट हिज बर्थडे बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। इससे पहले जो ये लाइन रह गई आपकी, ई और जी के बीच में 1 पर्सन का गैप है जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, यहाँ पे लिखना ओनली 1 पर्सन सेलिब्रेट हिज बर्थडे बिटवीन ई एंड जी। अब देखिए जी तो आपका इधर आ नहीं सकता, इधर तो कोई मंथ नहीं है, जी मैं इधर ले रही हूँ, ई और जी के बीच में एक बंदा है जो सेलिब्रेट कर रहा है। फिर बोला है उसने सी सेलिब्रेट हिज बर्थडे इमिडिएटली बिफोर ई, तो सी इधर आ जाएगा क्योंकि वो इमिडिएट अबव ई, ठीक है। तो सी के इमिडिएट ई से पहले सेलिब्रेट कर रहा है सी, इमिडिएटली, इमिडिएट मतलब जस्ट उसके ऊपर, ठीक है। अगर यहाँ पे इमिडिएट वर्ड नहीं आता तो उसका मीनिंग क्या होता है, सी कहीं पे भी हो सकता है ई के ऊपर, बट यहाँ पे इमिडिएट लिखा है तो जस्ट ई के ऊपर। द वन पर्सन सेलिब्रेट हिज बर्थडे बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में 1 पर्सन है जो सेलिब्रेट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ सी और एफ के बीच में 1 पर्सन का गैप है जो सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है। अब आ जाता है डी सेलिब्रेट हिज बर्थडे बिफोर जी बट नॉट इमीडिएट सी एंड जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ओनली 1 पर्सन सेलिब्रेट हिज बर्थडे सी एंड एफ, आपका एफ इधर भी आ सकता था, ठीक है, बट मैंने अभी यहाँ पे लिया है, आगे पता चल जाएगा कि अगर ये गलत है या सही है। तो यहाँ पे देख लो डी सेलिब्रेट हिज बर्थडे बिफोर जी, जी से पहले डी सेलिब्रेट कर रहा है अपना बर्थडे बट नॉट इमीडिएट सी एंड जी, ठीक है, बट नॉट इमीडिएट। तो यहाँ पे डी आपका कहीं भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसने इमीडिएट नहीं बोला। ओनली 1 पर्सन सेलिब्रेट हिज बर्थडे बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में 1 का गैप है, तो मैं यहाँ पे क्या ले सकती हूँ, मैं यहाँ पे डी ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जी के तो इमीडिएट नहीं हो रहा, उसने बोला जी के इमीडिएट नहीं होना चाहिए, और ए मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उसने यहाँ पे ये बोल दिया ए सेलिब्रेट हिज बर्थडे बिफोर डी, तो मैंने यहाँ पे ए के पहले ही डी, डी के पहले ए लिया है क्योंकि ए सेलिब्रेट कर रहा है अपने बर्थडे बिफोर डी, ठीक है। एच डज नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे इमीडिएट ऑफ जी, यहाँ पे जी के इमीडिएट बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहा है एच। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जी डज नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन द मंथ विच हैज 30 डेज, ओके, तो ये हमारा सही है, 30 डेज में नहीं बन रहा है, यानी कि ये तो हमारा सही है, जी 30 डेज में अपना बर्थडे नहीं मना रहा है, यानी कि 31 डेज में मना रहा है, यहाँ तक तो हमारा सही हो रहा है। अब देख लेते हैं आगे, ए सेलिब्रेट हिज बर्थडे बिफोर डी, ये भी हमने सही लिखा है, डी डज नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे विच हैज इवन नंबर, ठीक है, उसने बोला है कि डी सेलिब्रेट नहीं कर रहा है अपना बर्थडे जो इवन नंबर पे डेट है, तो इवन नंबर पे आपका 16 है तो डी आपका इधर है 9 पे, तो ये भी आपका करेक्ट है। आगे चलते हैं, बी सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही लाइन बच रही थी आपकी अगस्त की, तो बी आपका यहाँ पे हो जाएगा।
बाकी क्या है, बट नॉट इमिडिएटली बिफोर एंड आफ्टर जी, और जी के आसपास इमिडिएट में नहीं होना चाहिए, तो ये आपका करेक्ट पोजिशन हो रही है बी। तो बचा क्या हमारे पास, एच। तो देखिए ये सारे फिल हो चुके हैं, यानी कि जो जो पोजिशन मैंने ली थी वो आपके करेक्ट है, ठीक है। तो ये ऐसे ही बिल्कुल आपको सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मेक श्योर अगर आपकी कोई भी पोजिशन सही नहीं बैठ रही है तो आप उसको साथ साथ में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपकी यहीं पर खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ डज जी बर्थडे ऑक्योर, तो जी का बर्थडे कब आता है यहाँ पे, जुलाई में, यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर जुलाई। हु अमंग द फॉलोइंग इज एल्डर टू डी, डी से बड़ा कौन है यहाँ पे, ए और एच यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ऑप्शन में यहाँ पे एच गिवन है तो हम एच को कर देंगे। हाउ मेनी बर्थडे आर बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी के बीच में कितने के बर्थडे आते हैं, एक दो तीन चार, चार के बर्थडे आते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज यंगर देन सी, सी से छोटा कौन है, तो ई और बी है, तो ई और बी यानी कि ई तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, बी है, तो बी मार्क कर दोगे। हु इज द यंगेस्ट ऑफ द गिवन फ्रेंड, जी बी सी डी, जी बी सी डी सबसे छोटा कौन है यहाँ पे, बी है, आप यहाँ पे मार्क्स क्या कर दोगे, ऑप्शन नंबर बी, राइट। ओके, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लें, क्वांट की भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। बाकी और भी कोई अपडेट आता है बैंकिंग से रिलेटेड, SSC, रेलवे, इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो मैं आप लोगों को इस चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिले वीडियोस की। थैंक यू सो मच।